हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव टाइम। ये है डूम्स एंटर का एपिसोड 91। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शटन देखते हैं, शेन और जनरल के बीच में कुछ बहस चल रही है। इसी टाइम पर शेन को सपोर्ट करने के लिए वहां पर लियोन भेजा जाता है और लियोन भी उस जनरल को सुनाने लगता है। इसी तरह से ये दोनों उस जनरल से और वहां पर जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनसे कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। ये सुनकर उस जनरल को बहुत गुस्सा आता है। उन दोनों से कहता है, तुम दोनों अपना बो बंद रखो, जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो इस तरह से बात अगर किसी और ने की होती तो अब तक तो मैं उसको कोई ना कोई सजा दे चुका होता, लेकिन क्योंकि तुम फ्लावर गॉडेस के डिसिपल हो इसी वजह से तुम अभी तक बचे हुए हो। मेरे सामने तुम्हारा मुंह इसलिए खुल पा रहा है क्योंकि तुम फ्लावर गॉडेस के डिसिपल हो, वरना कोई मेरे सामने इतना बोल दे इतनी किसी में हिम्मत नहीं होती। जनरल इतना कह रहा होता है तभी वहां पर एल्डर गुलशन की एंट्री होती है। गुलशन उस जनरल से कहता है, जनरल वू, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, मैं इस लड़के गु कुंशन को अपने साथ में लेके जाना चाहता हूँ। वैसे भी ये लड़का को बहुत परेशान कर रहा है, अगर ये मेरे साथ में रहेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर जनरल वो सोचने लगता है, ये गुलशन वही है जिसकी जान एक बार शेन ने बचाई थी। ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैंने इस लड़के गु कुंशन को गुलशन के साथ में भेज दिया तो मैं बिल्कुल भी इस लड़के शेन को परेशान नहीं कर पाऊंगा, मेरा बदला भी अधूरा रह जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सोचकर जनरल वो गुलशन से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम ऐसे नियमों को बदल नहीं सकते हैं। इस लड़के गु कुंशन की कमांड मेरे पास में सौंपी गई है तो इसको मैं ही संभालूंगा, और आप जानते नहीं हैं ये लड़का कितना खतरनाक है, इसने अपनी टीम के क्रिकेटर्स को भी मारा है। अगर मैं इसे आपके पास में भेजूंगा तो आपको भी नुकसान हो सकता है, इसलिए इस नुकसान को मैं उठाने को तैयार हूँ। इसी समय पीछे की साइड से एक आवाज आती है, और आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे। यही कहते हुए फ्लावर गॉडेस और बाकी के दोनों सेंट उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां पे जितने भी कल्टिवेटर्स उस जनरल और भी बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब फ्लावर गॉडेस के सामने झुकने लगते हैं। लियोन बहुत ज्यादा खुश जाता है, वो खुश होते हुए कहता है, हमारी मास्टर आ गई है, अब वो यहाँ पर सबको संभाल लेंगी। तभी फ्लावर गॉडेस जमीन पर उतरती है और उस जनरल से कहती है, अब मुझसे कहो, मैं इस लड़के को अपने साथ में लेके जाना चाहती हूँ, क्या तुम्हें कोई भी दिक्कत है, इस लड़के को मुझे हैंड ओवर करो। ये सुनते ही वो जनरल बहुत ज्यादा डर जाता है। वो फ्लावर गॉडेस के घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे कहने लगता है, आपने जो कहा वो मेरे लिए ऑर्डर है, आपने कह दिया तो ये लड़का आपके साथ। तभी सेकंड सेंट बोलने लगता है, लड़ाई शुरू होने वाली है और अभी तक सारी तैयारी हुई क्यों नहीं, यहाँ पर इतने टाइम चल क्या रहा है। जनरल बोलता है, सेकंड सेंट आपको पता नहीं है यहाँ पर क्या हुआ है, पिछले काफी टाइम से काफी सारी दिक्कतें चल रही है, मैं उन्हीं को सॉल्व करने में लगा हुआ हूँ। हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आई है, इस लड़के गु कुंशन ने स्प्रिट बीस सेक्ट के एक डिस्पल को मार दिया है, मिलिट्री नियमों को फॉलो करते हुए हम इस लड़के को सजा देना चाहते थे। सेकंड सेंट बोलता है, तुमने ये सब कुछ चेक करने के लिए क्या क्या किया, क्या स्प्रिट बीस से पूछताछ की गई है। जनरल कहता है, हाँ हमने उससे पूछा है, उस बीस से भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इसी लड़के शेन ने स्प्रिट बीस सेट के डिसिपल डाउचेन को मारा है, और हमेशा से होता आया है स्प्रिट बीस कभी भी झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर सेकंड सेंट और थर्ड सेंट ये दोनों को सोचने लगते हैं। इसी टाइम पर फ्लावर गॉडेस कहती है, अभी कुछ भी सोचने का टाइम नहीं है, फाइट शुरू होने वाली है, यहाँ पर जो भी मैटर हो रहा है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी के लिए अच्छा होगा हम अपना पूरा फोकस फाइट पे लगाएं। फ्लावर गॉडेस की इस बात को सेकंड सेंट ही मान जाता है। जनरल सोचने लगता है, ऐसा क्या मैटर हो सकता है जो कि इससे भी ज़्यादा बड़ा है, एक डेसिबल ने किस दूसरे डेसिबल को मार दिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर है। इसी समय सबकी नज़र थर्ड सेंट पे पड़ती है। थर्ड सेंट थोड़ा आगे बढ़ता है और फिर जोर से कोई स्किल यूज़ करता है, वह बहुत तेज लाइट चमकने लगती है। इसके बाद में थर्ड सेंट वहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं उन सभी से कहने लगता है, कल्टिवेटर्स हमें पता चला है हमारे बीच में कोई गद्दार है, मेरे पास में एक स्पेशल स्किल है जिसकी मदद से मैं पता कर सकता हूँ कौन है वो गद्दार, इससे पहले कि हम फाइट के लिए जाएं ये पता लगाना जरूरी है कि वो कौन है, इसलिए सबके सब जिनके पास में भी जो भी वेपन है उनको जमीन पर रख दो, सभी मॉन्स्टर बीस्ट और उनके पाउच सभी को भी जमीन पर रख दो, और फिर उसके बाद में वॉरशिप हॉल के अंदर आओ, वहीं पर आप सभी की चेकिंग की जाएगी, जैसे ही हमें पता चल जाएगा गद्दार कौन है उसके बाद में हम लड़ाई के लिए निकलेंगे। थर्ड सेंट की इस बात को सभी कल्टिवेटर मान जाते हैं। फ्लावर गॉडेस कहती है, सबसे पहले तीनों डिग्गन जनरल की चेकिंग की जाएगी, आप तीनों सबसे पहले उस हॉल के अंदर आइए। फिर फ्लावर गॉडेस शेन से कहती है, शेन तुम भी पहले आना। इसके बाद में शेन भी एक लाइन में लग जाता है जिसके अंदर बाकी के तीनों डिग्गन जनरल खड़े हुए हैं। ये बीच वाला जनरल जिसे गले में एक बाला है इसका नाम है मैंगजी। तीनों जनरल और शेन अंदर जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में तीनों जनरल बाहर भेज जाते हैं। इन तीनों में से कोई भी ट्रेटर नहीं निकलता, लेकिन इसी टाइम पर जनरल वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। गुलशन बाहर आकर बाकी कल्टिवेटर को सुनाने लगता है और उनसे कहता है, सभी कल्टिवेटर्स अपने रैंक के हिसाब से लाइन में लगना। इसी के साथ ही कल्टिवेटर काफी तेजी से अंदर जाने लगते हैं और काफी तेजी से बाहर आने लगते हैं। बाहर आते हुए कल्टिवेटर को देखकर बाकी कल्टिवेटर्स कहने लगते हैं, लगता है अंदर का काम काफी ज्यादा कम है,
काफ़ी जल्दी से ये जासूस को पहचान जाएंगे। दूसरा बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर हमारे बीच में कोई गद्दार होगा तो जल्दी पकड़ा जाएगा, और अगर गद्दार नहीं होगा तो ये सारी प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इसी टाइम पर एक तीसरा कल्टिवेटर बोलता है, क्या तुम्हें इनके अंदर कोई फर्क नहीं लग रहा? जो कल्टिवेटर्स अंदर जा रहे हैं और जो कल्टिवेटर बाहर आ रहे हैं उनमें मेरे को काफ़ी फर्क दिखाई दे रहा है। दूसरा कल्टिवेटर बोलता है, ये तो तीनों सेंट्स की पावर का असर है, हो सकता है वो अंदर जिस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं उसी वजह से ये फर्क आ रहा हो। ये सुनकर वो थर्ड कल्टिवेटर अंदर से बाहर आ रहे एक कल्टिवेटर से पूछने लगता है, अंदर किस तरह का मैजिक का यूज़ किया जा रहा है, क्या तुम उसके बारे में हमें बता सकते हो, हम थोड़े से प्रिपेयर हो जाएंगे। वो कल्टिवेटर उस थर्ड कल्टिवेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है और उसे कहता है, क्या तुम जानते नहीं हो अंदर जो भी हो रहा है वो पूरी तरह सीक्रेट है, किसी को बताने की परमिशन नहीं है, खुद अंदर जाओ और चेक कर लो, और मैं तुम्हें एक और बात कह देता हूँ, दोबारा से मेरे कंधे पर हाथ मत रखना, कितनी घटिया हो तुम। जी सुनकर थर्ड कल्टिवेटर उस कल्टिवेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और उसे कहता है, क्या कह रहे हो तुम, मैंने ऐसी कौन सी घटिया वाली हरकत कर दी, केवल कंधे पर हाथ तो रखा है, तुम एक लड़के हो ना कि एक लड़की, इसके अंदर इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि तुम मुझे चिल्ला रहे हो। इसी टाइम पर बाकी कल्टिवेटर्स उसे शांत करने लगते हैं और उसे कहते हैं, अभी अंदर चलते हैं, बाद में देख लेंगे इसे। इसके बाद में सारी चेकिंग होने के बाद में पता चलता है उनके बीच में कोई भी गद्दार नहीं है। सारे कल्टिवेटर्स बाहर आ जाते हैं, तीनों सेंटी बाहर आते हैं और उन सभी कल्टिवेटर्स से कहते हैं, तुम सभी को खुश होना चाहिए, हमारे बीच में एक भी गद्दार नहीं निकला है, अब हम सबके सब लड़ाई के लिए निकल सकते हैं। थर्ड सेंट बोलता है, हम पहले चलते हैं और आगे जाके चेक कर लेते हैं कोई डीमन से खतरा तो नहीं है। बाकी के दोनों सेंट भी इस बात को मान जाते हैं और उड़ते हुए उस तरफ जाने लगते हैं। वो जाते हुए बाकी कल्टिवेटर से कहते हैं, सबके सब हमारे साथ चलो, अब इस फाइट के बाद में डिसाइड हो जाएगा कि हमारा आगे का फ्यूचर किस तरह से होगा, आज होने वाली ये फाइट ही ह्यूमंस का फ्यूचर डिसाइड करेगी। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दूसरे का सीन दिखाते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर डीमंस का इलाका है, इसी इलाके के बीच में एक किला बना हुआ है जिसका नाम है अबायस किला, इसी के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। मॉन्स्टर्स की पूरी फौज बाहर आने के बाद में वो देखते हैं सामने की तरफ काफी सारे कल्टिवेटर्स आ चुके हैं, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में अब फाइट शुरू होने वाली है। मॉन्स्टर्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो गिनती में काफ़ी ज़्यादा है, कल्टिवेटर्स छोटे हैं लेकिन वो गिनती में और भी ज़्यादा है। वहाँ पे जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो सबके सब सामने की तरफ जितने कल्टिवेटर्स होते हैं उनसे देख घुराने लगते हैं, अभी तक फाइट शुरू नहीं हुई है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक रंग का धुआं दिखाई देता है, उसी धुएं में से एक मॉन्स्टर बहुत जोर से जमीन पर गिरता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि बहुत खतरनाक है, इसका नाम है वेनरेबल सिन, ये डीमंस की तरफ से एक डिमोनिक सेंट है। ये डिमोनिक सेंट यहाँ पर आते ही कहता है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, बाकी के तीनों सेंट कहाँ पर है? इसी के साथ में वहाँ पर एक आवाज़ आती है, अमित भा। इसी आवाज़ के साथ में उस जगह पर एक वाइट रंग का धुआं दिखाई देता है जिस धुएं के अंदर से तीनों सेंट बाहर निकलते हैं। थर्ड सेंट बाहर निकलते कहता है, वेरिएबल सिन काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। सिन कहता है, जैसे बकवास बातें बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ, क्या सच में तुम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो? इस बार धूम धुआ के भागोगी तो नहीं? फ्लावर गुडस कहती है, क्या तुम्हें याद है कभी भी कोई भी कल्टिवेटर डीमंस के अटैक से भागा हो? वेरिएबल सिन बोलता है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें गिनाऊं? क्या तुम सीरियस हो? फ्लावर गुडस कहती है, हम तो पूरे सीरियस हैं, अगर तुम नहीं हो तो यहाँ से चले जाओ, और जैसे कि तुम डीमंस की आदत होती है किसी और जगह को ढूंढने की, किसी और जगह पर कब्जा करने की, वैसे ही किसी और जगह पर ट्राई करो, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वेरिएबल सिन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है ये सब कुछ इतना आसान है? किसी नई जगह को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, हमने इस जगह को ढूंढ लिया है, अब ये जगह हमारी होगी, तुम लोग इस जगह को छोड़ के चले जाओ। यही कहते हुए वेरिएबल सिन सोचने लगता है, डीमन लॉर्ड इस टाइम पर यहाँ पर नहीं है, वो किसी के साथ में किसी और जगह पर गए हुए हैं और उन्होंने इस पूरी लड़ाई का जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ा है। इस फाइट के अंदर मैं अपना पूरा जोर लगा देने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के एक लास्ट किराने पर खड़ा हूँ जिसके आगे हर हाल में मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है। तभी सेकंड सेट बोलता है, हम यहाँ पर बातें क्यों कर रहे हैं, जल्दी से फाइट शुरू करते हैं और फिर इसे खत्म करते हैं। यही कहते हुए सेकंड सेट अटैक करने के लिए लगता है। तभी डिमोनिक सेंट वेरिएबल सिन उसे रोकता है और उसे कहता है, फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, हम दोनों तरफ के काफी सारे लोग मारे जाएंगे, हर किसी का बहुत नुकसान होगा, इस लड़ाई के अंदर जीत किसी की भी हो दोनों तरफ के लोग मरेंगे। फ्लावर गुडस कहती है, तुम्हारे पास में क्या प्रपोजल है, क्या करना चाहिए? सिन हंसते हुए बोलता है, पूरे ग्रुप का फाइट करने से अच्छा होगा हम ड्यूअल कर लें, दोनों ग्रुप्स के कुछ कुछ लोग फाइट के अंदर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से फाइट करेंगे, छोटे ग्रुप्स में जो जीत जाएगा वही पूरा जीत जाएगा, इस तरह से नुकसान कम होगा। अगर उस फाइट के अंदर हम हार जाते हैं तो मेरी तरफ की जितनी भी सेना है सारे सारे डीमंस तुम्हारे सामने सेंडर करेंगे और उसके बाद में जो तुम चाहोगे वही होगा। ये सुनकर तीनों सेंट मान जाते हैं। फ्लावर गुडस कहती है, ठीक है मुझे तुम्हारे प्रस्ताव बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन अपनी बात को पूरी करो, अगर हम हारे तो क्या होगा? वेरिएबल सिन बोलता है, अगर तुम हारते हो तो तीनों सेंट्स को इस वर्ल्ड को छोड़ के जाना होगा, ये वर्ल्ड पूरी तरह से हमारा हो जाएगा।
वेरिएबल्स इनके इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।